धोनी के संन्यास पर युवी का बड़ा बयान, कहा यदि वे अब भी खेलना चाहते हैं तो यह उनका फैसला। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर चर्चा करना गलत है और यह फैसला केवल उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। इंग्लैंड की मेजबानी में हुए वर्ल्ड कप के बाद से धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य को लेकर क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है। 38 वर्षीय धोनी पिछले कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर हैं और जुलाई में खेले गए वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल के बाद से ब्लू जर्सी में नजर नहीं आए हैं। युवी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि यह उनके साथ गलत है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है, वह सबसे सफल भारतीय कप्तान रहे, उन्हें समय देना चाहिए। युवराज ने कहा, उन्हें धोनी यह तय करना है कि वे कब संन्यास लेना चाहते हैं, यह उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। यदि वह अब भी खेलना चाहते हैं तो यह उनका फैसला है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले युवराज ने कहा कि जब धोनी संन्यास ले लेंगे तो यह काफी मुश्किल होगा कि उनकी जगह कौन आएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत की तुलना धोनी जैसे शानदार क्रिकेटर से करना उचित नहीं है। युवी ने कहा, धोनी एक दिन में नहीं बने, उन्हें इतना शानदार क्रिकेटर बनने में कई साल लगे हैं, इसलिए उनका विकल्प निकालने में भी समय लगेगा। T20 विश्व कप में अभी एक साल का समय बाकी है, इसलिए अभी समय है, धोनी का विकल्प बनने में काफी समय लगेगा।